जी, यूके के वाले से गुड न्यूज़ ये है कि उनको जो है लेबर की शॉर्टेज है, स्टूडेंट जो यूके जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि एक दफ़ा यूके में एंटर हो जाए। यूके में एंटर होना कैसे है इसके लिए आपके लिए के उनके पार्लियामेंट में ये बिल पास हो रहा है कि जो वहाँ पे पहले 20 आवर्स पर वीक स्टूडेंट्स को अलाउ है तो इसको इंक्रीज़ करके 30 आवर्स किया जाए या इससे भी जो है वो अनलिमिटेड कर दिया जाए उसको वर्किंग आवर्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे आप जाके अपने बंक करें, अपनी डिग्रीज़ को छोड़ के इधर उधर के कामों में लग जाएँ तो फिर यूनिवर्सिटी आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी। और ब्लैक लिस्ट करने का मतलब है कि आपका जो है आपका वीज़ा जो है वो आप इलीगल हो जाएंगे, और इलीगल का मतलब है कि आपको डिपोर्ट कर देना, तो उससे आपको शर्मिंदगी होगी जो पहले आपको बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ से बचें, बच्चे यूके जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि तो एक दफ़ा यूके में एंटर हो जाए। यूके में एंटर होना कैसे है इसके लिए आपके लिए, जो लोग पढ़े लिखे हैं, देखें जो लोग जिनका ज़्यादा स्टडी गैप नहीं है, बेशक उनके जो भी 50% से अबव मार्क्स हैं, 5 साल से ज़्यादा गैप मास्टर्स के लिए नहीं है और 2 साल से ज़्यादा गैप बैचलर्स के लिए नहीं है, तो सबसे बेस्ट रूट उनके लिए जो है वो स्टडी वीज़े का है। ठीक है, स्टडी वीज़े पे एक इन्वेस्टमेंट करके आप इधर आ जाएं, ये जो दिन रात करके आप अपना भी कर्ज़ भी उतार लेंगे, जो कर्ज़ा लेके आप यहाँ पे यूके की फ़ीस आपने भरी थी, और अपने माँ बाप को जो आपके लिए मेहनत करते हैं उनको भी आप अच्छे पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और जो बाहर आके पैसे भी कमाना चाह रहे हैं, पढ़ना भी चाह रहे हैं और फ्यूचर में सेटल भी होना चाह रहे हैं। तो इसके लिए टॉप 7 बड़ी अच्छी आपके लिए फैसिलिटी लेके आ रहा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूके की कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपकी जो है वो परसेंटेज 50% से ज़्यादा हो, आपका गैप 5 ईयर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स के लिए 2 ईयर से ज़्यादा ना हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आईएलटीएस हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। पीटी भी एक्सेप्टेबल है, लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्टेबल है, डुओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, और इसके अलावा अगर आपके पास जो है कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं टॉप 7 के पास, जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का ज़ीरो कॉस्ट के साथ टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये बेस्ट न्यूज़ है उनके लिए जो यूके आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और साथ में पैसे कमाना चाहते हैं। और सितंबर इनटेक उनके लिए अभी ओपन है, अपने इस एडमिशन को लेट ना करें, इधर उधर चक्कर लगाने की बजाय सीधा एक डिसीजन ले लें, एक चीज़ पे टिक जाएं, अपने दिमाग को फोकस कर लें, आपको कभी उस पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और हमारे इस चैनल पे आपको यूके के अलावा पोलैंड, यूरोप और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड की जाती है। यूके का मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि आपका वीज़े के 100% चांसेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में ऐसे इन्वेस्टर्स अवेलेबल हैं जो आपको यूके की बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। आपने एक इनिशियल डिपॉजिट देके यहाँ पे पहुँचना है, मेहनत करनी है, आपने काम करना है, आपने जॉब्स करनी है, आपने दिन रात फूड डिलीवरी करनी है, आपने यहाँ पे रहना है, आपने स्टे करना है, आपने ये बताना है कि आप में ये कैपेबिलिटी है कि अगर आप यूके आ जाएँ तो आप वो मम्मी डैडी बच्चे नहीं हैं जो पीछे से अपना जो है वो पेरेंट्स से पैसे मंगवाएं। तो जो इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाह रहे हैं, एक और गुड न्यूज़ है लकली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स है कि उनके लिए स्किल्ड लेबर कैटेगरी जो है वो 28 फरवरी को ओपन हो रही है, जिसमें उनको 2400 वीज़ा जिसके लिए ना आयल्स की रिक्वायरमेंट है, ना किसी बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी चीज़ ना जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है। तो वो भी यहाँ पे यूके के लिए उनके लिए बिग न्यूज़ है कि वो, और ये 2 दिन उनका पोर्टल ओपन रहेगा। जस्ट आपने एक ईमेल करनी है, ईमेल का क्या फॉर्मेट है ये भी मैं वीडियो के एंड पे आपको शो कर दूंगा कि ये फॉर्मेट आपका ईमेल का होना चाहिए, और ये एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। जैसे ही जो वहाँ से सेलेक्ट होंगे उनको जो है वो फर्दर आगे उनकी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं कि कैसे आपने उस वीज़े के लिए वहाँ पे आना है। ठीक है, तो जो बच्चे भी यूके के हवाले से अपनी कंसल्टेंसी, अपनी एजुकेशन, अपने कैरियर को लेके परेशान है तो वो परेशान ना हो, यूके में आपके वर्किंग आवर्स भी इंक्रीज़ होने वाले हैं और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलने वाली हैं। तो मेरी इस चैनल को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तो इसमें आपका फ़ायदा, क्योंकि आपको हर लेटेस्ट न्यूज़ यूके के हवाले से, पोलैंड के हवाले से, यूरोप के हवाले से मेरे इस चैनल पे मिलेगी, और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपकी जो परेशानी है उसको देख के मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं उन हर एक को मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, जो बच्चे यूके की कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, उनको मैं कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं हर कोशिश करता हूं हर एक को रिप्लाई बैक करूं जिनके रेलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टू दी पॉइंट बात करता हूं, कोई लंबी कहानियों का टाइम नहीं है पास और ना ही होगा। तो यही थी ये शॉर्ट वीडियो, जिसका ये मकसद था कि आपको यूके की जो गुड न्यूज़ है, जो बेस्ट न्यूज़ है, जो अभी ऋषि सुनाक जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, जिसने ये अनाउंस किया कि उनको होटल और दूसरे मैनेजमेंट में जो है वो लेबर की शॉर्टेज है, तो उनको वर्किंग आवर्स जो है वो स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, वो दे डोंट वॉन्ट टू गेट मोर
लेबर, दे जस्ट वांट टू एडजस्ट दी लेबर दैट इज़ ऑलरेडी इनसाइड द यूके। ठीक है, तो इसी गुड न्यूज़ के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहें और देखते रहें टॉप 7 विद दमेर। ठीक है, सी यू नेक्स्ट।